ऑनरेबल मेंबर श्रीमान दीपेंद्र हुड्डा जी। धन्यवाद स्पीकर साहब महोदय। सबसे पहले तो जो ये चर्चा का विषय है, अति महत्वपूर्ण विषय है कि ओलंपिक की तैयारी पे चर्चा, मगर ये विषय तो महत्वपूर्ण है, मगर मैं समझता हूँ ये समय तो अब हम चार दिन के बाद 26 तारीख को ओलंपिक शुरू होने जा रहे हैं, आज 22 है, तो अब क्या तैयारी पे हम सुझाव दें और क्या तैयारी हो पाएगी? तो अब तो हम केवल शुभकामनाएं दें और दो ही चार काम कर सकता है सदन। हमारे जो कंटिंजेंट है उनको हम शुभकामनाएं दे सकते हैं और ईश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मेडल आए, क्योंकि अब सुझाव या ये 2028 के ओलंपिक के लिए सुझाव ये ले रहे हैं तो तब तक तो पता नहीं कि इनकी सरकार रहेगी या नहीं रहेगी, तो किसकी रहेगी। लेकिन ये आज महत्वपूर्ण विषय है सर, महत्वपूर्ण विषय है। और अभी जैसे हमारे अच्छे मित्र जयसवाल साहब ने कहा, संजय जी ने, कि 470 करोड़ रुपए अलग अलग जो ओलंपिक सेल साई में क्रिएट हुआ उसके माध्यम से आवंटित किया गया जी, है। इस माइक को ठीक क्यों कर लें, 470 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है, उस पर अच्छी बात है, और भी ज़्यादा आवंटित होना चाहिए। और विदेशों में ट्रेनिंग्स जो कराई जा रही हैं उसके लिए जिस तरीके से अलग अलग ब्यौरा दिया गया खेल वर, उस पर हमें इतना ही कहना है सर कि इसमें जो आवंटित किया गया है उसमें हॉकी और रेसलिंग का नंबर काफ़ी पीछे है इन 470 करोड़ में, जबकि ये दो ऐसे खेल हैं जो सबसे ज़्यादा मेडल, ये हमारी ना सिर्फ हमारी देश की धरती से जुड़े हुए खेल हैं कुश्ती और हॉकी, मगर देश के सबसे ज़्यादा मेडल इन दो खेल ओलंपिक के मेडल इन दो खेलों से आए हैं, उनका आवंटन ज़्यादा किया जाना चाहिए था, उनका आवंटन का नंबर 9वें और 10वें स्थान पर है, ये मैं इस बारे में कहना चाहता हूँ। अगर हम ओलंपिक और भारत देश के खेल की बात करें और हरियाणा का अगर हम संदर्भ ना लें तो वो चर्चा अधूरी होगी, और अधूरी मैं इसीलिए कह रहा हूँ, ओलंपिक में अभी तक हमारे देश के इतिहास में 35 मेडल हमारे देश ने अर्जित किए हैं, जिसमें से 23 इंडिविजुअल खेलों के मेडल हैं, इन 23 में से 10 मेडल हरियाणा के खिलाड़ी हमारे देश के लिए लेके आए हैं पिछले 4 ओलंपिक में, यानी कि 40 से 2% की आबादी वाला हरियाणा 40 से 50% ओलंपिक के मेडल, और केवल ओलंपिक ही नहीं एशियाई और कॉमनवेल्थ के मेडल्स में भी हरियाणा की हिस्सेदारी इतनी होती है। पिछले 4 ओलंपिक्स में देखें, अभी वो कह रहे थे कि 2014 के बाद से खेलों में इतना बढ़ोतरी हुई, लेकिन पिछले 4 ओलंपिक्स में हम देखें तो चारों ओलंपिक्स में देश के मेडल आए और आधे से ज़्यादा मेडल हरियाणा खिलाड़ी लेके आए। 2008 में सबसे पहले 3 मेडल आए ओलंपिक में, जिसमें से 2 हरियाणा के खिलाड़ियों ने अर्जित किए देश के लिए। 2012 में 6 मेडल आए ओलंपिक में, जिसमें से 4 हरियाणा खिलाड़ियों ने अर्जित करे। 2016 में ये 6 से घटकर 2 मेडल आए, लेकिन 2 में से भी 1 मेडल हरियाणा की हमारी बेटी साक्षी मलिक लेके आई। और 2020 में ये 7 मेडल, जो 2012 के लगभग बराबर के 7 मेडल आए, जिसमें से 3 मेडल हरियाणा खिलाड़ी लेके आए। और अगर हम ओलंपिक में जाने वाले कंटिंजेंट की भी बात करें तो पिछले ओलंपिक के खेलों में 120 खिलाड़ियों में से 31 खिलाड़ी यानी कि 25% हरियाणा से गए, और इस ओलंपिक खेलों में भी 117 में से 20.5% में 117 में से 24 खिलाड़ी यानी कि लगभग 21% खिलाड़ी हरियाणा से जा रहे हैं, नीरज चोपड़ा से लेकर सर और विनेश फोगाट तक, जिन्होंने जंतर मंतर पर धरना दिया है सरकार के खिलाफ, ये सभी ओलंपिक के हमारे एक कंटिंजेंट का हिस्सा हैं जो ओलंपिक के खेलों में जा रहे हैं। 2006-07 के बाद से जितने भी खेल हुए एशियाई कॉमनवेल्थ और ओलंपिक, हमें गर्व है कि मैं हरियाणा से आता हूं कि इन सभी खेलों में 50% तक हमारे मेडल और 25% तक कंटिंजेंट हरियाणा खिलाड़ियों का देश को रिप्रेजेंटेशन करने का हरियाणा खिलाड़ियों का अवसर मिला। तो जब हम ओलंपिक की बात करें तो बिना हरियाणा के मैंने कहा कि अधूरा है, ऐसा कौन क्या सिस्टम हरियाणा में बना जिसकी वजह से आज ओलंपिक के अंदर हरियाणा खिलाड़ी इतना अच्छा कर पा रहे हैं, उसको भी जानना, उससे क्या ऐसी बातें हैं जो देश के अन्य राज्य लेके जा सके, क्योंकि खेल हमेशा राजनीति से ऊपर होने चाहिए, और उसमें अब क्या कमियाँ आ गई हैं वो भी बताना हमारा जिम्मेदार विपक्ष की तरह हमारा कर्तव्य है।
मेडल तभी आ सकता है जब आप प्रतिभा की सही खोज करें, प्रतिभा को प्रोत्साहन दें, इंफ्रास्ट्रक्चर दें, और इंफ्रास्ट्रक्चर के बाद जब कोई मेडल लेके आए या ना आए, कोई चोटी लो जाए, मेहनत करे, लेकिन एक स्तर तक पहुंच जाए तो उसका भविष्य सुरक्षित किया जाए, खिलाड़ी के मन से अपने भविष्य की असुरक्षा निकाल दी जाए। इन बातों को लगते हुए कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकार, हरियाणा की सरकार ने खेल नीति बनाई 2004-05 में, जिस खेल नीति को पदक लाओ पद पाओ की नीति भी कहा गया, जिसके तीन पहलू थे। पहला पहलू था कि अगर आप किसी स्तर तक पहुंचेंगे, चाहे राष्ट्रीय खेलों तक पहुंचे, चाहे आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचे, तो कहीं आपका भविष्य को सुरक्षित किया जाएगा। इस नीति के तहत 500 से ज़्यादा अलग अलग पदों पर खिलाड़ियों की नियुक्ति हरियाणा सरकार ने की उस समय, जिसमें DSP लेवल पे, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय पहलवान जोगेश्वर दत्त हो, चाहे अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाज विजेंद्र सिंह हो, चाहे अंतर्राष्ट्रीय पहलवान बबीता फोगाट हो, इन सभी खिलाड़ियों को DSP से लेकर और अन्य पदों के ऊपर हरियाणा सरकार में मौका दिया गया। दुर्भाग्य की बात है सर कि जो नीति थी पदक लाओ पद पाओ, नियुक्तियां देने की नीति, पिछले 10 वर्ष से जो भाजपा की सरकार है, इस नीति पे रोक लगाने का काम किया। आपको जान के आश्चर्य होगा कि हमारी खिलाड़ी बेटी साक्षी मलिक को आज तक हरियाणा में कोई नियुक्ति नहीं मिली है। पिछले ओलंपिक के हमारे खिलाड़ी पिछले ओलंपिक के मेडल विजेता रवि दहिया, नीरज चोपड़ा, इनको अभी तक हरियाणा सरकार में कोई नियुक्ति देने का काम नहीं किया गया। यहाँ तक कि सर, ये तो DSP और अन्य पदों की बात है, जो Group 3 और 4 उसमें भी 3% खिलाड़ी कोटा हरियाणा के अंदर कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकार ने किया था, उस खेल कोटे को भी समाप्त करने का काम मौजूदा सरकार ने हरियाणा के अंदर किया है। और खिलाड़ियों को जो DSP लगाए गए थे, वो DSP खिलाड़ी सर जो है, उनको प्रमोशन तक नहीं दी गई है इन 10 वर्षों में, तो आज उन खिलाड़ियों को धरने देने पर मजबूर वो खिलाड़ी हो रहे हैं। इसके साथ साथ जो कैश अवार्ड मिलता था, आज हमारे खिलाड़ी कैश अवार्ड के लिए भी महरूम हो गए हैं, जैसे सरकार उनसे किसी बात का बदला ले रही हो कि वो मेडल लेके आए हैं। यहाँ तक कि 2021 के बाद से, अभी तक आज की भास्कर की खबर आई है सर, भास्कर, दैनिक भास्कर के अखबार को जानो पता हो कि ये सरकार 1-9-3 का डिस्कशन लेके आएगी कि खेलों के पदक विजेता कैश अवार्ड से वंचित। 2021 के बाद से कैश अवार्ड दिए ही नहीं गए, और दूसरी ओर नेशनल और इंटरनेशनल वालों को तो आप अभी कह रहे हैं कि वंचित रखा है, मगर देंगे, 2021 से वंचित हैं, लेकिन बाकियों को तो आपने बंद कर दिया। हम कांग्रेस की सरकार के समय जूनियर, सब जूनियर और यूथ गेम्स में भी जो मेडल लेके आते थे, उनको भी कैश अवार्ड दिया जाता था। सर, एक और पहलू इस सरकार ने, जो हमारी सरकार के समय जो नीति बनी थी, क्योंकि नीचे से प्रतिभा को खोजने की बात थी, तो एक पॉलिसी बनी थी SPAT, जिस वजह से हरियाणा खिलाड़ी आज इतने आगे आए हैं। स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एप्टीट्यूड टेस्ट, पहली क्लास से सर स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एप्टीट्यूड टेस्ट किया जाता था, जो भागने में, दौड़ने में और फिजिकल एप्टीट्यूड में जो बच्चे सबसे अग्रणी आते थे 10%, उनको मासिक पहली प्रोत्साहन राशि दी जाती थी। इसकी शुरुआत हरियाणा में हुई, सारे इस सिस्टम से बहुत खिलाड़ी आगे आ रहे थे। पहले सरकार जब भाजपा की आई सर हरियाणा में, पहले SPAT का नाम बदल दिया SPEED, और फिर स्पीड पे भी स्पीड ब्रेकर लगा के उसको समाप्त कर दिया सर। और सर, ये इसमें और इसके तो कई ऐसे पहलू हैं सर, जैसे मैं उदाहरण दूँ, अगर कोई हमारी SC समाज से आने वाली कोई अगर खिलाड़ी बेटी अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर या स्टेट लेवल पर पहुँचती थी सर, तो 40,000 प्रतिवर्ष की उसको प्रोत्साहन राशि मिलती थी सर, ताकि SC समाज से आने वाली बेटियों का खेलों में जो है ज़्यादा भागीदारी बने। सरकार ने आते ही 2016 में भाजपा सरकार ने SC समाज की बेटियों को मिलने वाली इस प्रोत्साहन राशि को समाप्त करने का काम किया सर। सर, ये मैं इसीलिए बता रहा हूँ, फिर एक मिनट आप फिर मुझे कहोगे मैं टोक रहा हूँ सर। आप तो सर, ये आपका अधिकार है सर टोकना, मगर हमारा अधिकार है बोलना सर। सर ये सिस्टम हरियाणा का स्पोर्ट्स सिस्टम सर कैसे आगे जाए सर, और उसी देश का जब आधे मेडल हरियाणा के स्पोर्ट्स सिस्टम से आ रहे हैं, तो उस पर भी चर्चा हो सर। सर, इसके साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर भी मैं कहना चाहूँगा सर, हमारे समय 232 हरियाणा में राजीव गांधी स्पोर्ट्स स्टेडियम बने थे और 6 अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम कॉम्प्लेक्स बने, दुर्भाग्य से। और इन स्टेडियम्स में सर नर्सरीज और कोचेज, ताकि हर स्पोर्ट्स स्टेडियम में, ग्रामीण स्पोर्ट्स स्टेडियम के अंदर किसी न किसी एक खेल की नर्सरी बने और उस पर हम ध्यान केंद्रित कर पाएँ।
मगर मौजूदा सरकार ने सर वहाँ इन नर्सरीज को बिल्कुल ही नज़रअंदाज करते हुए पिछले 10 वर्ष में एक भी कोच की भर्ती हरियाणा के अंदर नहीं हुई सर। और जो स्टेडियम्स हैं उनकी दुर्दशा, रोहतक के स्टेडियम की, अम्बाला के स्टेडियम की सर दुर्दशा, और अम्बाला कैंट में तो सर एक ऐसा स्टेडियम है जो पिछले 7 वर्ष से कंस्ट्रक्शन जिसमें चल रही है, आज तक उसमें कंस्ट्रक्शन ही पूरी नहीं हुई, ऐसा सर व्यवस्था आप हरियाणा के अंदर देख पा रहे हैं सर। सर मैं ये भी इसमें कहना चाहूँगा कि जो खिलाड़ी है, खिलाड़ी का भविष्य सुरक्षित किया जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जाए, प्रतिभाओं को आगे निकाला जाए, इसके साथ साथ एक बहुत बड़ी बात होती है सम्मान, खिलाड़ी को सम्मान मिले। सर आज अगर हमारे खिलाड़ी दुनिया में जाकर दूसरे देशों के खिलाड़ियों से लड़ेंगे अपने देश का झंडा उठाने के लिए, तो उनको सिस्टम से लड़ना ना पड़े, उनको अपनी सरकार से लड़ना ना पड़े। आप विनेश फोगाट को क्या कहेंगे सर जब वो ओलंपिक में जाएगी हमारी बहन? सर कितने महीनों तक इन बेटियों को अपनी सरकार और सिस्टम से लड़ना पड़ा सर। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, उसके बाद FIR हुई नहीं, सरकार ने FIR भी नहीं करी जो बेटियों से छेड़छाड़ के मामले में, क्या कारण था सर हमें नहीं पता, क्यों FIR नहीं की गई? क्या वो स्पोर्ट्स फेडरेशन के अध्यक्ष थे या वो भाजपा के सांसद थे सत्तारूढ़ दल के? जो भी कारण रहा सर, इस तरह की बात होनी नहीं चाहिए सर। खिलाड़ियों को तो सम्मान, जिन खिलाड़ियों जब वो मेडल लेके आते हैं सर, उन खिलाड़ियों के साथ फ़ोटो खिंचवाने के लिए सर सरकार के मंत्री एयरपोर्ट पे पहुंच जाते हैं सर, लेकिन उन बेटियों के साथ अगर कुछ गलत हो गया सर, और एक नहीं सर 6-6 ओलंपिक विजेता बेटियां और वो धरने में बैठी हैं सर, उन धरने के वो मेडल के जब जीत के आई थी जो उनके साथ फ़ोटो खिंचवा रहे थे सर, वहाँ पर जाकर सर किसी ने उनकी बात तक नहीं सुनी, और यहाँ तक सर मैं सरकार से सवाल पूछना चाहता हूँ सर। गंगा में मेडल बहाने की बात कही आप, ओलंपिक मेडल्स की बात कर रहे हैं आप, ओलंपिक मेडल्स में अपनी तैयारी की बात कर रहे हैं, मगर जब ये खिलाड़ियों ने कहा कि हमारे साथ इस देश में अन्याय हो रहा है सर, जब खिलाड़ियों ने कहा, बेटियों ने, कि हमारे साथ इस देश में अन्याय हो रहा है और हम इन मेडल्स को गंगा में बहा देंगे सर, कम से कम खेल मंत्री का बयान आना चाहिए था कि नहीं ये देश के लिए मेडल आए हैं, ये देश के लिए मेडल आए हैं, इनको गंगा में नहीं बहाना, आपको न्याय मिलेगा सर। न्याय मिलेगा का बयान भी नहीं आया सर, न्याय मिलेगा का बयान आ जाता हम संतुष्ट हो जाते सर। ये देश तो महाभारत का देश है सर। मैं स्वयं ऐसे प्रदेश से आया हूँ जहाँ कुरुक्षेत्र में महाभारत हुई थी सर, हमारी बहन बेटी की मान सम्मान पे बात आई तो देश में कुरुक्षेत्र में महाभारत का रण हुआ सर। लेकिन मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ कि हमारी बहन बेटियों की जब मान सम्मान की बात आई में होता था ये सभी जगह पे मैं सर, ये भी एक और आपको मैं कहना चाहता हूँ सर, एक सर मैं उस समय सरकार की तरफ से दिए गए बयान पढ़ रहा हूँ सर, एक बयान आया सत्तारूढ़ दल के आरोपी एक सांसद का बयान आया सर कि ये तो मेडल इतने रुपए में आप बेच सकते हैं सर, इन मेडल की सर, ओलंपिक मेडल की आप बात कर रहे हैं सर, आप ओलंपिक मेडल की बात कर रहे हैं और आप उनकी कीमत लगा रहे हैं इस देश में, और आप स्पोर्ट्स फेडरेशन चला रहे हैं सर ऐसे, तो सर इस पर प्रश्न उठेंगे। हरियाणा के अंदर सर खेल मंत्री, सर हरियाणा खेल मंत्री जो जिनको सर जो है खुद स्वयं जो पहले हॉकी के हमारे प्लेयर थे उनका मान सम्मान करते हैं सर, वो खिलाड़ी हैं, उनको हरियाणा में भाजपा सरकार में खेल मंत्री थे, उनके ही महकमे की सर, उनकी महकमे की एक जूनियर कोच ने सर, एक हमारी अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी ने, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी ने उन पे आरोप लगाया कि खेल मंत्री ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया सर। उसके बाद भाजपा की तरफ से यह है कि वो हमने जब मांग करी कि इन खेल मंत्री को हटाया जाए, इनको बर्खास्त किया जाए सर, तो ये कहा गया कि इन्हें खेल मंत्री रहेंगे सर, उनको मंत्री रखा, और जिस बेटी ने सर उन खेल हरियाणा खेल मंत्री की मैं बता रहा हूँ, जिन बेटी ने उन खेल मंत्री पे आरोप लगाया था उनकी एक ना सुनी गई। एक मिनट माननीय सदस्य, हम एक मिनट इस सदन के अंदर परंपरा रही है हम किसी राज्य की विधानसभाओं की चर्चा न करें और अन्य सदन की चर्चा नहीं करें, आप वरिष्ठ सर, ये जो सारे जो मैं खेल मंत्रालय से, भारत सरकार से और ओलंपिक के मेडलिस्ट की बात कर रहा हूँ, और सर ओलंपिक खैर, मगर मैंने आपने जो बात की उस बात को मैं आगे बढ़ते हुए सर, तो मेरा जो है मेरा संदर्भ था सर,
खिलाड़ियों को मान सम्मान, उचित प्रोत्साहन, प्रतिभा की खोज के साथ साथ उनकी भविष्य की सुरक्षा की जब तक नीति बनने की बात नहीं होगी, क्यों हरियाणा आज देश के आधे से ज़्यादा मेडल लेके आ रहा है हर खेलों में? पिछले 10 वर्ष से नहीं, 2008 के बाद से, जो मैंने आपको बताया, ये तो रिकॉर्ड की बात है, आप झुठला नहीं सकते कि 2008 के ओलंपिक में कितने मेडल आए, 2012 के ओलंपिक में कितने मेडल आए। तो क्यों हरियाणा के खिलाड़ी ला रहे हैं, तो कुछ ना कुछ उस नीति में अच्छी बात होगी जिसको आप समझें, अपनाएं, हमें खुशी होगी। आपने कुछ अच्छा कार्य किया, हम भी उसकी सराहना करेंगे, क्योंकि खेल और खिलाड़ी ये हर बात की राजनीति से ऊपर होने चाहिए। लेकिन आज दुख होता है सर, जो हरियाणा, जो जिस हरियाणा में नारा था जय जवान जय किसान जय पहलवान जय नौजवान जय संविधान का नारा हम देते थे, आज उस हरियाणा, जो हरियाणा के नौजवान भारत वर्ष का झंडा सीमा पर ऊंचा करने की बात करते थे सैनिक बनके, वहां आप अग्निवीर योजना ले आए और दुनिया के पोडियम पे जाकर राष्ट्रगान भजवा कर झंडा ऊंचा करने की बात करते थे खिलाड़ी बनकर, आज वो हरियाणा जो खेलों में नंबर एक था सर, वो आज नशे में नंबर एक बन गया। इस बात का हमें बहुत ही इस बात की पीड़ा है, मगर सर ये आज ये हरियाणा में जो हम निराशा के साथ इस सरकार की खेलों के प्रति रवैया देख रहे हैं, लेकिन ओलंपिक पे सर, ये ओलंपिक की प्रेपरेटनेस पर जो ये चर्चा की गई है, ये चर्चा अच्छा होता सर, ये अच्छा होता ये चर्चा सर एक साल पहले आती, अच्छा होता ये सब चर्चा सर, इनको क्या तकलीफ है सर? मैंने ऐसा क्या गलत कहा सर? मैंने ऐसा क्या गलत कहा सर? हमने ऐसा कुछ गलत नहीं कहा, किसी को तकलीफ हो सर, इनको ऐसा लगता सर, सर ये मैं मुझे हमें ऐसा लगता सर, यही बात है सर, हमें ऐसा लगता है कि अगर कोई ऐसा, अगर कोई आरोपी भाजपा का सांसद या भाजपा का कैबिनेट मंत्री हो, तो सर उसमें भाजपा को उस पे के पक्ष में नहीं आना चाहिए, क्योंकि हम इसमें जो है पूरी पार्टी उसके पक्ष में आगे खड़ी हो जाए, इस बात से हमें तकलीफ है सर। सत्तारूढ़ दल को उनके पक्ष में नहीं आना चाहिए, पूरी पार्टी को उनके पक्ष में नहीं आना चाहिए। किसी ने अगर खिलाड़ियों का शोषण किया है तो वो अपराध है, उस अपराधी को अपना जो है समझता हूँ कानून का सामना करना चाहिए, ये हमारा संदर्भ है। और खिलाड़ियों का मान सम्मान करिए सर, एक नारा, एक कहा जाता था, एक कहावत, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब, एक कहावत थी, कहावत थी, चौहान साहब हंस रहे हैं, ये कहावत थी। हरियाणा ने, हरियाणा की पूर्ववर्ती हुड्डा सरकार ने दिखा दिया उस कहावत को बदल के कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, मगर खेलोगे कूदोगे तो भी बनोगे लाजवाब, तो ये कहावत को बदल के दिखा दिया। अब आपने दोबारा से, अब आपने उस कहावत का दूसरा अर्थ कर दिया कि खेलोगे कूदोगे तो सरकार, बीजेपी की सरकार हो जाएगी नाराज, आपने उस कहावत को दोबारा से मोड़ दिया सर। ये दोबारा से खेलोगे कूदोगे तो होगे लाजवाब, इसकी तरफ ये कदम बढ़ाएं, हम एक एक कदम पे आपका साथ देंगे सर, बहुत बहुत धन्यवाद। श्री संसदीय कार्य मंत्री जी दीपेंद्र जी ने बहुत जोशीला भाषण दिया, मुझे अच्छा लगा। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।